दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आप सभी लोगों ने एल्टो 800, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, इनोवा जैसी भारतीय कार का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने एप्पल कार के बारे में सुना है? जी हाँ, वही एप्पल कंपनी है जिसके मोबाइल फोन खरीदने के लिए लोग किडनी बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आने वाले एप्पल कार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों दुनिया भर में अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर एक्सेसरीज की वजह से मशहूर एप्पल कंपनी अब अपना लेवल और ज्यादा हाई करने वाली है, क्योंकि अब आपको मार्केट में एप्पल की कारें भी चलती हुई दिखाई देंगी। जी हाँ, स्टीव जॉब्स द्वारा खड़ी की गई एप्पल कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना कदम रखने जा रही है। तो एप्पल द्वारा बनाई गई स्मार्ट कार कैसी होगी और इसमें किस तरह के फीचर्स होंगे, उन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको एप्पल की कार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आज से 44 साल पहले शुरू हुई एप्पल कंपनी को तीन लोगों ने मिलकर शुरू किया था, जिनमें से एक स्टीव जॉब्स भी थे, जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से कंपनी को इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि आज एप्पल कंपनी ने स्मार्टफोन की दुनिया में कब्जा करके रखा हुआ है। जहां इनके द्वारा लॉन्च किए गए हर नए स्मार्टफोन को लोग लाखों की संख्या में पहले से ही ऑर्डर कर लेते हैं, और नमूना आपके सामने है। जहां अभी कुछ ही दिनों पहले एप्पल का ब्रांड न्यू फोन आया और इसने मार्केट में तहलका मचा दिया। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जिस कंपनी ने इतनी हाहाकार मचा रखी है, वो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गई तो क्या होगा, और किस तरह की स्मार्ट गाड़ियां ये कंपनी लोगों के सामने खड़ी करेंगी। हमें पता है कि आप सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर एप्पल कार इंडस्ट्री में क्या करिश्मा करने वाली है। दोस्तों इस समय ये खबर जोरों से चल रही है कि एप्पल सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट में उतारने वाला है। एप्पल कंपनी के इस कार बनाने वाले प्रोजेक्ट का नाम टाइटन है, जिसमें कई सारे डेवलपर्स, इंजीनियर और डिजाइनर्स जुड़े हुए हैं, ताकि एक ऐसी अद्भुत गाड़ी तैयार कर सके जो एलन मस्क की टेस्ला को भी पीछे छोड़ दे। एप्पल का ये प्लान है कि वो एक लग्जीरियस और टेक्नोलॉजिकल एडवांस गाड़ी तैयार करेंगे। यहाँ तक कि 2015 के अंत में एप्पल ने करीब 5000 एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी में जोड़ा है, ताकि वो इस प्रोजेक्ट में काम कर सके, क्योंकि एप्पल चाहता है कि जल्द से जल्द उनके द्वारा तैयार की गई स्मार्ट कार मार्केट में उतर जाए। यहाँ तक की खबर ये भी है कि एप्पल कंपनी एलन मस्क टेस्ला कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों जैसे इंजीनियर्स और डिजाइनर्स वगैरह को भी अपनी तरफ करने के लिए उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी ऑफर कर रही है, ताकि उस कंपनी के काबिल एम्प्लॉई एप्पल के साथ काम करके इस कंपनी की गाड़ियों को बुलंदियों पर पहुंचा दे। वैसे दोस्तों एप्पल द्वारा कार बनाए जाने की ये खबर कोई नई नहीं है, बल्कि बहुत पहले ही खबरों का बाजार गर्म था। ये कहा जा रहा था कि 2020 तक एप्पल कंपनी भी गाड़ी मार्केट में उतारेगी। 2018 में कंपनी के अधिकारियों ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो अपनी गाड़ी तैयार कर चुके थे, लेकिन उन्हें एक फ्यूचरिस्टिक एडवांस गाड़ी चाहिए थी। जिस तरह उनके मोबाइल फोन मार्केट में सबसे बेस्ट होते हैं, उसी तरह वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ियां भी मार्केट में सबसे बेस्ट हों। और एप्पल कंपनी की ब्रांड का एक ब्रांड नेम है, और ठीक वैसे ही जैसे आईफोन का होता है, इसी वजह से कार को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी में कई सारी मॉडिफिकेशन करने की सोची। और अगर ऐसा हो गया तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाकई में फ्यूचर में पहुंच जाएगी, जहां ये माना जा रहा है कि एप्पल कंपनी की कार में पहला अल्टीमेट मोबाइल डिवाइस सिस्टम होगा। लेकिन एप्पल की ये फ्यूचरिस्टिक कार पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग होगी, यानी कि आपको किसी भी तरह की कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस अपने डेस्टिनेशन के बारे में कार को बताना है और ये आपको वहां पहुंचा देगी। साथ ही साथ कार में ऐसे सेंसर लगे होंगे जो सामने से आती हुई गाड़ी से लड़ने से पहले ही अपने आप रुक जाएंगे, यानी कि इस गाड़ी में एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर होगी। ये सब तो वो चीजें हैं जो हम आपको सीक्रेट तरीके से मिली हुई जानकारी के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि एप्पल कंपनी अपने इस पूरे टाइटन प्रोजेक्ट को खुफिया तरीके से अंजाम दे रही है। लेकिन फिर भी आज हम आपको इस गाड़ी के बारे में वो बातें बताने वाले हैं जो आपको शायद ही कहीं से पता चलेंगी। असल में दोस्तों इस कार के बारे में चीजें तब डीकोड की गई जब एप्पल के सीईओ ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि वो अपनी कार में पूरा फोकस ऑटोनोमस सिस्टम में कर रहे हैं। दोस्तों ऑटोनोमस सिस्टम वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो सिस्टम जो अपने आप गाड़ी को ऑपरेट करते हैं। साफ सुथरे तौर पर कहें तो ये गाड़ी इस तरह होगी जिसमें ह्यूमन एरर का कोई चांस ही नहीं रहेगा। जब हम गाड़ियां चलाते हैं तो उसमें तरह तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिलती है,
लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये गाड़ी चलेगी तो किसी भी तरह की कोई दुर्घटना का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही साथ इस गाड़ी में लग्जरी तो एक अलग ही लेवल में देखने को मिलेगी। इसमें आपको हर एक चीज टच स्क्रीन मिलेगी, यानी कि आप एक टच से अपनी सीट की पोजीशन इधर से उधर करने के अलावा एक बड़े से स्क्रीन में अपने एंटरटेनमेंट का भी इंतजाम कर सकते हैं। ऑल टोटल अगर कहा जाए तो ये गाड़ी एक क्रांति की तरह आएगी, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो फीचर्स आपको एप्पल मोबाइल में मिलते हैं वो किसी दूसरे मोबाइल में नहीं मिलते। जो एप्पल के आधे दाम में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब बात क्वालिटी की आती है तो वो क्वालिटी आपको किसी और मोबाइल फोन में नहीं मिलेगी। सेम यही चीज गाड़ियों के साथ भी होगी, जहां इस तरह के फीचर्स आपको आने वाली फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों में मिल जाएंगी, लेकिन जब बात क्वालिटी की होगी तो इंसान फोन की तरह एप्पल की गाड़ी ही लेना पसंद करेगा। खास करके इस कार का डिजाइन लोगों का दिल जीत लेगा, जिसका नमूना आप देख ही सकते हैं कि ये एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यानी कि इस कार में बैठते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसी एडवांस दुनिया में पहुंच गए हैं जिसके इस समय हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं। इसी वजह से एप्पल अपनी गाड़ी के अधिकतर फीचर्स लोगों को नहीं बता रहा था, और जब ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च होगी तो कोई दूसरी गाड़ी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। और इस बात की तो हम गारंटी लेते हैं कि एप्पल की गाड़ी आने से सबसे ज्यादा नुकसान एलन मस्क की टेस्ला को होगा। आपका एप्पल कार के बारे में क्या कहना है? क्या आप भी इसके लिए हमारी ही तरह एक्साइटेड है? अगर हाँ तो हमें इस बारे में कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।